इस मूवी की शुरुआत में हम इटली के एक अमीर परिवार को देखते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी होती है जिसकी शुरुआत में इस परिवार के हेड्रो सीनियर ने की थी, जिनकी वाइफ का नाम एलेग्रा था। इन दोनों के बेटे का नाम टैंक है। टैंक ने एक रशियन औरत एमा से शादी की थी और इन दोनों के तीन बच्चे भी होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े बेटे के नाम उसके ग्रैंडफादर के नाम पर एड्रेडो और सबसे छोटे बेटे का नाम जियान है। उनकी एक बहन इजाबेल भी थी। इनकी फैमिली डिनर पार्टी की तैयारी कर रही थी क्योंकि एड्रेडो का बर्थडे होता है और सभी लोग काफी खुश थे। वहाँ पर एड्रेडो आता है, जो कि आज के दिन हॉर्स रेस कंपटीशन में अपने दोस्तों से हार गया था और इसी से उसका मूड थोड़ा खराब होता है। इसके बाद एड्रेडो मॉम एमा को बताता है कि उसने आज पार्टी अपनी गर्लफ्रेंड एवा को भी इनवाइट किया है, जिससे वो जल्दी शादी भी करने वाला है। इसके बाद डिनर करते वक्त एमा सभी को एक खास तरह का सूप सर्व करती है, जो कि उसने खासकर एड्रेडो के लिए बनाया था और ये उसकी खुद की रेसिपी होती है, जो कि एमा एड्रेडो के लिए बचपन में बनाती थी, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद था। इससे हमें पता चलता है एमा को कुकिंग का काफी ज्यादा शौक था। इसके बाद एड्रेडो के ग्रैंडफादर हेड्रो सीनियर डिनर के दौरान सभी के सामने इस फैमिली बिजनेस से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। वो टेक्सटाइल कंपनी को अपने बेटे टैंड्रीड और ग्रैंडसन एड्रेडो के नाम कर देते हैं। यहाँ पर सभी हैरान होते हैं कि आखिर उन्होंने एड्रेडो के नाम आधा बिजनेस क्यों कर दिया। अब एलिजाबेथ ग्रैंडफादर को अपनी एक बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, लेकिन एड्रेडो सीनियर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इस पर एलिजाबेथ को उदास देखकर उसकी ग्रैंड मदर उसे चेयर अप करती है। डिनर के बाद वहाँ पर एड्रेडो का दोस्त एंटोनियो आ जाता है, जो कि पेशे से अपने पिता के होटल में एक शेफ का काम करता है, इसलिए वो गिफ्ट के तौर पर अपने हाथों से एक केक बनाकर लाया था। जिसके बाद उनकी बातों से पता चलता है आज एंटोनियो ने हॉर्स रेस में एड्रेडो को हराया था। इसके बाद वो उसे एमा से मिल पाता है, जिसे वो काफी पसंद आता है। अब अगले दिन घर में एमा को काम करते एड्रेडो के कपड़े में एक सीडी और उसके साथ चिट्ठी मिलती, जो कि एड्रेडो के लिए उसकी बहन एलिजाबेथ ने लिखी थी, जिसमें एड्रेडो को बताया गया था वो एक लेस्बियन है और एक दूसरी लड़की से प्यार करती है। एक्चुअल में एलिजाबेथ ने ये बात सिर्फ एड्रेडो से इसलिए बताई थी क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ वही था जो कि उसकी इस बात को समझ सकता था। अब अपनी बेटी के बारे में ये जानकर एमा भी उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसी वो है। इसी बीच हम एड्रेडो को देखते हैं, जो कि एंटोनियो से मिलने के लिए आया होता है और वो एंटोनियो को एवा की बर्थडे पार्टी में अरेंजमेंट्स करने के लिए कहता है, जिससे वो एवा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब यहाँ बातों ही बातों में एंटोनियो एड्रेडो को बताता है कि वो अपने पिता के रेस्टोरेंट में मजबूरी में शेफ का काम करता है और उसकी अपनी डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए वो अपने खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। जिसे सुनकर एड्रेडो उसे कहता है कि मेरे डैड की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलें, और तुम्हारे पास इसका एक्सपीरियंस भी है, तुम इसे अच्छे से मैनेज भी कर लोगे, जिससे एंटोनियो खुश हो जाता है। इसके बाद एवा की बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी एंटोनियो करता है, जिसमें उसकी मदद एमा भी करती है, क्योंकि एमा और एंटोनियो दोनों को भी कुकिंग काफी पसंद थी, इसलिए उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद अब वहाँ एक जोरदार पार्टी होती है जिसमें एमा शामिल नहीं थी, और इस दौरान हम एमा को टैंड्रिक के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहाँ बातों ही बातों में टैंग्रेडी बताता है वो इस फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने आधा बिजनेस एड्रेडो के नाम करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि एड्रेडो इस बिजनेस को इतनी आसानी से बिकने तो नहीं देगा। इसके बाद अगले दिन एमा एवा और एलेग्रा के साथ एंटोनियो के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाती है, जहाँ एंटोनियो खासकर एमा के लिए एक स्पेशल डिश प्रिपेयर करता है, जिसे खाने के बाद एमा एंटोनियो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसकी स्किल की भी तारीफ करती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एमा धीरे धीरे एंटोनियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद एमा अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ होती है, जहाँ एलिजाबेथ एमा को उस लड़की की तस्वीर दिखाती है जिससे वो प्यार करती थी, और दोनों में इस चीज को लेकर काफी खुलकर बातें होती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो उनका दिल उसे करने के लिए कहे। अगले दिन एमा कहीं जा रही होती है तो उसे वहां पर एंटोनियो दिखता है और एमा एंटोनियो का हर जगह पीछा करने लगती है, मगर कुछ देर बाद एंटोनियो भी एमा को उसका पीछा करते हुए नोटिस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक से मिले हों। यहाँ बातों ही बातों में वो अपने और एड्रेडो के रेस्टोरेंट खोलने के बारे में बताता है और एमा को अपने घर ले जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर होता है। फिर दोनों वहाँ पर खुद को रोक नहीं पाते और घपाघप करते हैं, फिर दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद एक दिन अचानक से एड्रेडो सीनियर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद टैंक्रेडी और शेयर होल्डर को अपनी तरफ करके इस पूरी कंपनी को बेचने की योजना बनाने के लिए मीटिंग रखता है। फिर एड्रेडो उनको समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ये कंपनी बेचनी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बात को नहीं मानता और अगले हफ्ते इस कंपनी को इन्वेस्टर को बेच दिया जाएगा, और टैंक्रेडी उनके स्वागत के लिए अपने घर में एक पार्टी का ऐलान करता है। अब ये सब एड्रेडो के हिसाब से नहीं हो रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो अपनी बहन एलिजाबेथ से इस बात को शेयर करता है, लेकिन एलिजाबेथ को इस कंपनी के बिकने का कोई खास दुख नहीं था। अब एड्रेडो जाकर एंटोनियो से मिलता है
और उसे रेस्टोरेंट के पेपर देता है। साथ ही वो एक बार फिर से एंटोनियो को इन्वेस्टर की वेलकम पार्टी को मैनेज करने के लिए कहता है, जिसके लिए एंटोनियो मान जाता है। इसी बीच एक दिन एमा समय निकालकर पूरा दिन एंटोनियो के साथ बिताती है, क्योंकि उसे एंटोनियो के साथ काफी अच्छा लगता था और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद एमा एंटोनियो को बताती है कि कैसे वो टैंक्रेडी से मिली थी, जो कि बिजनेस के सिलसिले में रशिया आया हुआ था, और देखते देखते दोनों की शादी हो गई। इसके बाद एंटोनियो एमा के बालों को काटता है और बदले में एमा एंटोनियो को सूप की रेसिपी सिखाती है, जो कि वो एड्रोडो के लिए बचपन से बनाती आ रही थी। कुछ देर बाद एड्रोडो एंटोनियो से मिलने के लिए आता है, लेकिन एंटोनियो एड्रोडो से नहीं मिलता। तभी एड्रोडो को वहां पर एमा के बाल पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। इसके बाद हम पार्टी में देखते हैं, जहां पर टैंक्रेडी ये पूरा बिजनेस फॉरेन इन्वेस्टर को बेचने वाला था और इस पार्टी को एंटोनियो ने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया था, जिसका वहां पर एमा पूरा साथ देती है। इसके बाद एड्रोडो का मूड खराब देखकर एवा उसे बताती है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनने के बाद एड्रोडो खुश हो जाता है। इसके बाद डिनर में एंटोनियो वही सूप बनाकर लाता जो कि एमा एड्रोडो के लिए बचपन से बना रही थी, और सूप को देखकर एड्रोडो को पता चल जाता है उसकी मॉम का एंटोनियो के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि ये सूप उसकी मॉम को ही बनाना आता है। उसने एमा के बाल भी देखे थे। अब वो गुस्से में बाहर आ जाता है, जिसे समझाने के लिए एमा उसके पीछे आती है, मगर एड्रोडो उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक से एड्रोडो का पैर फिसलने के कारण उसका सिर एक पत्थर से टकराता है। फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा शौक एमा को लगता है, और इसीलिए वो एड्रोडो के फ्यूनरल के बाद टैंक्रेडी को बता देती है कि उसका अफेयर एंटोनियो के साथ चल रहा है, और वो उसे प्यार करती है, जिस पर टैंक्रेडी उसे तुरंत घर छोड़ देने के लिए कहता है। इसलिए एमा घर आकर अपना सामान पैक करती है और अपनी बेटी एलिजाबेथ को देखती है, मगर उसकी बेटी समझ गई थी उसकी मॉम अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीने जा रही है, इसलिए उसे अपनी मॉम का ये फैसला सही लगता है। और फिर एमा वहां से चली जाती है, और अगले सीन में हम एमा को एंटोनियो के साथ देखते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।